क्या आप भी लटकते पेट की चर्बी से और मोटापे से परेशान हो बहुत ज़्यादा, तो आप रोज़ाना शाम को बैठे बैठे ये उपाय ज़रूर करो। ये तुरंत आपके मोटापे को कम करने में और बेली फैट को घटाने में बहुत मदद करता है। एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हो कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते हैं, और या खड़े होकर जो बहुत ज़्यादा कूदा फांदी वाली एक्सरसाइज है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो कैसे करें, या फिर किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है या किसी को और भी कई तरह की बैक पेन्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत आसान 3 योगासन, जी हाँ, आपको पता है कि योगासन जो है बहुत ही धीरे धीरे की जाती है, धैर्य के साथ की जानी चाहिए, और साथ ही साथ योगासन ऐसा है कि अगर आप रोजाना इसका अभ्यास अगर आप करोगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म यानी बहुत दिनों तक ये आपको फायदा देता है। जैसे भागा दौड़ा दौड़ी वाली जो एक्सरसाइज होती है, बहुत ज़्यादा कूदा फांदी वाली एक्सरसाइज जो होती है, वो अचानक से तो आपको फायदा दे सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा नहीं देती है। लेकिन अगर आप योगाभ्यास करते हो प्रतिदिन थोड़ा सा टाइम अगर निकाल कर, तो आप देखोगे लंबे समय तक ये आपको बहुत फायदा देगा। आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स, फिजिकली आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करता है। योग अभ्यास हमारे दिमाग को शांत रखता है, हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है, और हमारे बेली फैट या हमारी बॉडी के जो भी एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं उसको भी बहुत अच्छे से लॉस करता है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान 3 योग अभ्यास या 3 ऐसे आसान योगा दिखाऊंगी, जिसे अगर आप करते हो प्रतिदिन, जब भी आपको टाइम मिले, सुबह कर लो, शाम को कर लो, जब भी आपको टाइम मिले बस। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेशल जगह पे करनी है, आप अपने बेड पर भी इसको कर सकते हो। बस बेड पर आप इसे लेटे लेटे ही इन एक्सरसाइज, ये जो योगा आज मैं आपको बताऊंगी, इन्हें अगर आपने कर लिया तो आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से आपका वेट लॉस होगा, आपका बेली फैट कम होगा, ओवरऑल आपका वेट कम होगा, और जो साइड फैट निकल आता है, बेली के चारों तरफ फैट निकल आता है, ये सारी चीज़ें सॉल्व होगी। और साथ ही साथ योग अभ्यास हमें कई सारी बीमारियों से बचाते हैं, हमारी स्किन को ग्लो करते हैं, हमारे हेयर्स अच्छे रखते हैं, और साथ ही साथ दिमाग शांत रखता है, स्ट्रेस लेवल कम करता है, मेटाबॉलिक रेट अच्छा करता है, डाइजेशन अच्छा रखता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की बीमारी, और हाई ब्लड प्रेशर कहिए या फिर कोलेस्ट्रॉल कहिए, इस तरह की कई सारी बीमारियों से हमें बचाता है। साथ ही साथ हमें सांस की बीमारियां भी जो हो जाती हैं उनसे भी हमें बचाता है, हमारा हार्ट रेट सही रखता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत आसान 3 एक्सरसाइजेस या 3 योग अभ्यास बताऊंगी, इसे आप जरूर से जरूर करने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा आपको नहीं करना है, शुरुआत में 20-20 बार कीजिए, तीनों को 20-20 बार कीजिए, और उसके बाद अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ताकत आपकी बढ़ती है, तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हो। लेकिन शुरुआत में सिर्फ 15 से 20 बार ही करना पड़ेगा, एक योग अभ्यास को या एक एक्सरसाइज को 15 से 20 बार ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। और अगर दिन में 2 बार कर सकते, एक बार सुबह कर लिया, एक बार शाम को कर लिया, तो देखोगे धीरे धीरे, डे बाई डे धीरे धीरे आप खुद को इतना एनर्जेटिक फील करोगे, आप में बहुत एनर्जी रहेगी, आपकी फैट लॉस होगी, और आप खुद को बहुत हैप्पी फील करोगे। सो फ्रेंड्स, चलो पहले देख लेते हैं कि वो एक्सरसाइजेस कौन से करने हैं। तो फ्रेंड्स, पहले योग अभ्यास में आपको इस तरह से लेट जाना है, फिर पैरों को ऊपर उठाना है, और इस तरह से पैरों को नीचे रखना है, बस ऊपर उठाना है, फिर इस तरह से धीरे धीरे पैरों को नीचे आना है, और दोनों पैरों को एक साथ ही आपको रखना है, अलग अलग नहीं, एक साथ। देखो आप जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको करना है, तो ऐसे 20 बार आपको करना है, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद दोबारा फिर से 20 बार, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप काउंट करते रहिए, और इसे आपको 20 बार करना है, फिर रेस्ट लेना है, फिर 20 बार करना है, यानी 60 टाइम्स करना है। दूसरा जो योग अभ्यास है इसको बहुत ही आसान है, इस तरह से आपको लेटना है, इसके बाद आप पैरों को मोड़ लीजिए, और उसके बाद आप अपने हाथों से पैरों के जो एड़ियां हैं, एड़ियों को आपको टच करना है, बस इस तरह से, एक बार इधर की तरफ, एक बार दूसरी तरफ, इसे भी आपको 20 बार करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आप काउंट करते रहिए और 20 बार कीजिए, तो इसे भी आपको 20-20 बार करके 3 बार आपको करना है, तो इससे आपकी बेली फैट बहुत अच्छे से लॉस होगी, साथ ही साथ आपका
जो है फुल बॉडी का फैट भी लॉस होगा। तो इस तरह से इसको भी आपको 20 बार करना है और 3 के सेट में करना है। फिर आप रेस्ट ले लीजिए। रेस्ट लेने के बाद अब तीसरा एक्सरसाइज या तीसरा योग अभ्यास जो आपको करना है बहुत ही आसान है। बस इस तरह से आपको पैरों को पीछे की तरफ करना है। पैरों की उंगलियों पर आपको जो है सपोर्ट देकर इस तरह से ऊपर हाथों ऊपर उठना है और हाथों को भी इस तरह से स्ट्रेट रखना है। और ये इस तरह से आपको 1 से 10 तक काउंट करना है। 1 से 10 तक आप इसी पोजीशन में रहेंगे और आपको काउंट करना है। उसके बाद आप घुटनों को मोड़ना है और इस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है आपको। स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर से आप इस तरह से ऊपर उठें, ऊपर की तरफ आपको इस तरह से उठना है, एक ब्रिज जैसा बनाना है इस तरह से। और उसके बाद फिर से आपको इस तरह करना है और 1 से 10 तक काउंट करना है और फिर से आपको दोबारा रिपीट करना है। तो इसे भी आपको 20 बार करना है, 20 टाइम्स करना है, 20 × 3 यानी 60 टाइम्स आपको इसे करना है। तो ये आप बहुत ही आसान एक एक्सरसाइजेस हैं या बहुत ही आसान योग अभ्यास हैं। इससे आपका बेली फैट तो लॉस होगा, साथ ही साथ फुल बॉडी का फैट लॉस होगा। और अगर आपको जॉइंट पेन्स होते हैं, आपका बैक पेन है या आपके घुटनों में दर्द है, तो वो भी इन एक्सरसाइजेस से दूर होती है। आपने देख लिया बहुत आसान ये एक्सरसाइजेस हैं, इनको करने की कोशिश कीजिए। ये योग अभ्यास, ये 3 योग अभ्यास रोजाना करने की कोशिश कीजिए, रोजाना कीजिए। आप देखोगे डे बाय डे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो परहेज मैं हर वीडियो में बोलती रहती हूँ उसको थोड़ा बहुत अपनाइए, अपनाने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा, आपका अब फुल बॉडी का फैट लॉस होगा और आप बहुत एक्टिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे और आपको कई सारी बीमारियां से भी आपको छुटकारा मिलेगा और आप हैप्पी रहोगे, ग्लोइंग रहोगे, हेल्दी रहोगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी।